कहाँ से रहने वाले भैया? मैं वैसे तो रहने वाला हूँ यहीं बनारस से हूँ और चंडीगढ़ में सर्विस में, तो लेकिन अभी आया हूँ यहाँ, तो यहाँ तो स्थिति कुछ और है। बनारस का क्या माहौल है? अभी मुझे तो ऐसा ही फिर वही चल रहा है माहौल जो 2014 में हुआ था। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं आने के बाद, चूँकि यहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनको तो सब दिखाई दे रहा है, मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे और भी नज़र आ रहा है बहुत सी चीज़ें कि इस समय मोदी का फिर से वैसे ही चल रहा है जिस तरह से 2014 में एक जोर था, उसके आज भी वही मुझे लग रहा है कि वही चलने वाला है। तुम तो बता रहे हैं महंगाई को लेकर इस बार? हाँ, थोड़ी सी यस, आप ठीक कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से थोड़ा सा लोगों में आक्रोश जरूर है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये हर एक आदमी समझ रहा है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मैं इस बात को फील कर रहा हूँ कि हर एक, जितने भी हमारे यहाँ और कोई पार्टी है, अभी देखिए इंडिया पार्टी बना ली है, तो उससे होना कुछ नहीं है, ठीक है कहीं एक दो जगह पर आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देर इज नो सब्स्टिट्यूट अगेंस्ट मोदी जी। आपको क्या लगता है कि इस बार जात पात का फर्क पड़ेगा? देखिए अब इस पर तो हम ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, लेकिन सत्यता ये है कि जात पात का असर तो है, थोड़ा सा है, क्योंकि अब जो है जैसे बिहार को ले लीजिए और ये लोग इस मामले को ज़्यादा उछाल रहे हैं और इस मामले को मैंने बहुत से दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं माहौल को उछाल रहे हैं हिंदू मुस्लिम को देख के, जबकि ऐसा है नहीं। अब देखिए सबके लिए, जब हम सब धर्म समान हैं यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, तो नेचुरली हमें उसको फॉलो करना होगा। और अभी जो उन्होंने सारा कश्मीर से लेके यहाँ तक जो नई नई जो चीज़ें थी, जब हम हिंदुस्तान में रहें तो वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। मोदी के कार्यों में आपका सबसे अच्छा क्या उनका कार्य लगता है? सॉरी, मोदी के कार्यों में सबसे अच्छा कार्य उनका क्या लगता है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उन्होंने ये पूरे देश में एक तो स्वच्छ अभियान करके, आज के समय में मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ, रोड देखिए क्या बढ़िया चल रहा है, सारे सब कुछ चल रहा है। हाँ, ये कुछ चीज़ें जो है जैसे विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर और ये सब चीज़ें, ये तो हमारे लिए हमारा धरोहर है और इसको हम अगर बढ़िया से इसको हम नहीं रख पा रहे हैं, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर अस। ये न हिंदू या मुस्लिम, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो होना चाहिए वही हो रहा है और मोदी जी इस मामले में कर रहे हैं। हालांकि कुछ भ्रांतियाँ दूसरे लोगों के द्वारा भी दी जा रही हैं जिससे थोड़ा सा वो पहले की अपेक्षा अंतर होगा, लेकिन आएंगे फिर वही मोदी हर हर मोदी। योगी आदित्यनाथ को आप लोग उत्तर प्रदेश में किस रूप में देखना चाहते? योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत सुलझे हुए और बिना स्वार्थ के वो इस समय जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ मैं तो इस बात से मैंने हैप्पी कि ये खुश हूँ कि जो गुंडागर्दी हमारे यूपी में जितना रहा है उससे थोड़ी क्या निजात मिल गई है और हर एक आदमी आराम से और निडर होकर जा सकता है। लड़कियाँ बाहर निकल रही हैं 10-12-2 बजे तक आ रही हैं, अब उसमें डर की 90% कमी आ गई है और मुझे लग रहा है ये भविष्य में अगर अगला वो चुनाव में आते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये भी डर ख़त्म हो जाएगा, देन ये हो जाएगा जैसे हम लोग अब्रॉड में जाते हैं और देखते हैं, उस तरह से यहाँ पर भी माहौल हो जाएगा। लोगों का कहना है कि वो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, जैसे आतिक अहमद का जो गोली मारी गई जी, तो उनका लोगों का मानना कि एक समुदाय के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। इसमें अब हम क्या कह सकते हैं, कारण ये है ना कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ है नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इस तरह का है, लेकिन अब देखिए अब जैसे 3 तलाक का मामला है उसमें तो बुरा तो लगेगा ही, तो कुछ चीज़ें जो है
हमारे मुस्लिम भाई को उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ये उनके भलाई के लिए है। कि ये नहीं है कि तीन तलाक बोल दिए, 370 जो है कश्मीर में हटा दिए, कितने बढ़िया बात हुई है। अभी मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें शायद उनके मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी फील हो रही, जबकि ऐसा है नहीं। चलिए, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जी बनारस में आपका स्वागत है। आप यहाँ बनारस पहली बार आना हुआ, किसके पहले आए हुए हैं? नहीं, आए थे पहले, लेकिन अब घूमने के हिसाब से फैमिली को लेकर पहली बार ही आए। अब जब आए हैं तो कुछ परिवर्तन बनारस में तब? हाँ, बहुत परिवर्तन है। मतलब पहले तो बहुत सकरी गलियाँ थी, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2024 का माहौल बहुत तेज़ी से गर्माया हुआ है, इसमें सारे हिंदुस्तान की पार्टियां एक हो गई हैं और बीजेपी अकेली है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहने की तो बात ही नहीं है, साफ क्लियर है। जो भी है विकास देख रहा है, जो विकास है आज का पहले और अभी बहुत फ़र्क है। हम तो एक शब्द में कहना चाहेंगे कि मोदी जी जिंदाबाद, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी इस समय देख रहे हैं सारे एक अलग यूनिटी, एक अलग टाइप के सारे लोग का एक जन समूह बहुत तगड़ा बन रहा है। ओ, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, कोई उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। आपके जबलपुर में क्या माहौल है? हमारे यहाँ पूरा भाजपा का माहौल है। भाजपा का? हाँ, अभी तो बता रहे थे मामा की हाल बड़े बेकार है। अब वो तो खैर कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन विकास दिखता है ना, जब सड़कों पर विकास दिखता है। आप यहाँ पे भी रह रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा विकास। हम तो आए हैं दूर से, तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग तो रोज़ के रहने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आता होगा कि विकास किसने कराया है। एमपी का भी विकास चल रहा है? हाँ, चल रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बनारस पहली बार आए, किसके पहले आए थे? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ बनारस। कैसा लगा बनारस आपको? बहुत बढ़िया। क्या गंगा आरती वगैरह देखे कि नहीं देखे अभी? नहीं, गंगा जी में जल स्तर ऊंचाई पर है, तो आरती शायद ऊपर से हो रही है, तो हम लोग गंगा आरती में तो नहीं गए, पर कॉरिडोर देखने ज़रूर गए थे, और वो बहुत बहुत अद्भुत बना हुआ है। गंगा आरती दशा सुमित घाट पे शाम को 7:30 बजे होती है, पता है ये? हाँ जी, पता है। अब आप राजनीति देख रहे हैं, इसमें 2024 के माहौल आप लोग कहाँ वोट कर रहे हैं? अभी शायद 18 साल हो गए रहे। नहीं नहीं, मैंने एक बार ही वोट दिया है, पर वो पार्शली इलेक्शन में दिया है, अभी तो नहीं दिया। लेकिन आप वोटर हो चुके हैं? हाँ जी। ठीक है, तो क्या माहौल है आपके यहाँ जबलपुर में? मेरे हिसाब से तो इट्स ऑल पॉजिटिव। मैं मोदी जी के समर्थन में हूँ, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। बाकी जिन्हें कांग्रेस या किसी और पार्टी में दिलचस्पी है, या उनके लिए वो ज़्यादा खड़े होते हैं या स्टैंड लेते हैं, तो वो उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका ओपिनियन है। लेकिन अभी तो माहौल है कि भाई जन समूह है जो कि मोदी के अपोजिट जा रहा है। नहीं नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।